का जो ये बस्ती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आरएसएस जनसंघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जानते हैं कि क्या जब इन पे विस्थापन और मुआवजे को लेके इनकी लड़ाई चल रही है तो आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग इनकी खोज खबर लेने आते हैं या नहीं आते हैं, बताइए। और बीजेपी को वोट भी किया है आप लोगों ने? हाँ, बीजेपी को वोट करा ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब वो लोग आते होंगे कि कैसे है? वोट मांगने के लिए आ जाते, जिसके बाद जीत जाते हैं उसके बाद कोई आते नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला। चाचा कब से आरएसएस से जुड़े होंगे कुछ? ये तो लक्ष्मीनारायण पंडित का समय से नहीं, मैं तो आरएसएस में से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से आरएसएस से जुड़े हैं? अभी भी जुड़े हुए हैं? अभी भी। तो आरएसएस के लोग आते हैं आप लोगों के पास? नहीं आते, हाल चाल लेने के लिए कि हाँ, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। तुम कहाँ से निकले? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? दलित वर्ग का आदमी होने के कारण आरएसएस में है, इसलिए आरएसएस के लोग कोई भी हमारी खोज खबर लेने नहीं आता। मतलब आरएसएस में बीजेपी को वोट किया है, हमने बीजेपी को इसलिए वोट किया कि ये सरकार आएगी, हमारा पुनर्वास सही ढंग से करेगी, लेकिन आज तक बीजेपी का किसी कोई भी नेता हमारी खोज खबर लेने नहीं आया। आप क्या कह रहे थे? आरएसएस जातिवादी? आरएसएस के लोग भी भेदभाव करते, जातिवाद करते हैं दलितों के साथ। आज तारीख तक इतिहास देख लो आप कि कोई भी दलित के साथ कोई आरएसएस बेटा नहीं। ये बलाई है, चमार है, बलाई है, नीच जाति के हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार शुरू से होता आ रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा प्रद्युम्न, जिसकी हत्या हो गई थी स्कूल में, उसको 5 से 10 दिन तक टीवी चैनल पे दिखाया गया। और ये पुनर्वास का मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें 40,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 1,00,000 जनसंख्या है, इसको मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है? इस पुनर्वास के लिए मीडिया क्यों नहीं सामने आ रही है? मीडिया तो इस देश का सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका है,